हेलो दोस्तों, पॉज ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, ओके, और आपको बताया था कि इस शेयर की तरफ ध्यान लगाना। ये वीडियो आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो थी। 165 लोगों ने देखा था और आज के दिन में जो ये शेयर था, ओके, अच्छा खासा भागा था। लगभग 100 से 150 रुपये तक ये भागता हुआ नज़र आया था। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें हमने की, ये एम्बर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड थी, तो इसके पीछे रीज़न था कुछ, वो मैंने आपको बताया था, तो उसी वजह से वो भागा भी था। और इसी आज आपको आज का जो टॉपिक है, एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड है कि नवंबर में 18 रुपये का शेयर चल रहा था, आज के दिन में 1100 प्लस का शेयर चल रहा है, और लगभग लगभग एक साल में 22,500% के रिटर्न इसने दिए आपको, और 4 महीने में 6,400% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है। तो इसी से रिलेटेड बातें करने वाले, बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आगे बढ़े, शेयर से रिलेटेड बातें करें। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए एंजल ब्रोकिंग में। यहाँ क्लिक करेंगे, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके। और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी है इस अकाउंट को ओपन करने के, आप जाके उसे करिएगा तो आपको पता चलेगा। एज वेल एज बताना चाहता हूँ, एक और लिंक है, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, श्री राम जी के मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं, और कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं ताकि मंदिर बन सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस, 10 साल का डेटा, ओके, आपकी नज़रों के सामने है। 1 डे 5%, 3 मंथ्स 1950%, 6 महीने 22,500% के रिटर्न, 22,490% के रिटर्न, ओके। और बात की जाए 2 साल में 23,000% के रिटर्न, 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर 1 साल की बात की जाए तो ये जो शेयर है, इसने आपको 22,500% के रिटर्न दिए है, 22,490.48% के रिटर्न्स आपको दिए है, मतलब मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं ना, वो दिए है। इस कंपनी का नाम क्या है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, आज लगभग 1186 रुपये का ये शेयर चल रहा है। 5% का अपर सर्किट नवंबर से ही लगता आ रहा है, 5 डेज, 1 मंथ, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 मंथ आपके सामने है, ईयर टिल डेट आपके सामने है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये शेयर देखिए 3 नवंबर है, यहाँ देख रहा है 3 नवंबर 2020 से ये शेयर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, मतलब क्या कह सकते हैं, 5 नवंबर 2020 से ये शेयर देखिए, आज 2021 चल रहा है, लगभग 4 महीने कह सकते हैं कि 4 महीने तक की से ये शेयर देखिए अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट में चलता नज़र आ रहा है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम ये है आपके सामने, और यहाँ पर जो ये कंपनी है, ओके, ऊपर घटती बढ़ती नज़र आ रही है। कंपनी क्या है, नाम है, वो सब चीज़ जानेंगे। तो कंपनी का नाम सबसे पहले मैं रिवील कर देता हूँ, कंपनी का नाम है ऑर्किड फार्मा। ये आपको BSE पे लिस्ट होती हुई दिखाई देगी, NSE पे लिस्ट होती नहीं दिखाई देगी। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये कंपनी काम कर रही है, और इस कंपनी का भविष्य इस टाइम क्यों उजागर हो रहा है तो आपको बताना चाहता हूँ। ये कंपनी जैसे कि सारी की सारी कंपनी फार्मा प्लस केमिकल वाली भागी है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि ये कंपनी आज से 2-3 साल पहले डीलिस्ट हो गई थी, ओके, और NCLT के दायरे में चली गई थी। जैसे कि आपने रुचि सोया देखा होगा, आलोक इंडस्ट्री देखा होगा, उसी तरीके से ये कंपनी भी चली गई थी। बट इनको एक कंपनी है धानुका, ओके, उन्होंने ही इसे खरीद लिया, और ये फिर आज की डेट में इस तरीके से भाग रही है पागलों की तरह कि आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, और कि फार्मा शेयर अब 6,500% इन 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने में इस तरीके से भागी है। तो देखिए ये कंपनी है, ये पहले डीलिस्ट हो गई थी, ओके, एज वेल एज बात की जाए दोबारा से ये रीलिस्ट कराई गई, और रीलिस्ट कराने के बाद ये जो शेयर है किस कंपनी के पास आ गया, तो धानुका लैब्स हैज़ टेकन ओवर ऑर्किड फार्मा। तो धानुका लैब्स ने ये जो कंपनी है ऑर्किड फार्मा, इस कंपनी को खरीद लिया है। एंड NCLT रिजोल्यूशन, ऑर्किड फार्मा रिपोर्टेड रेवेन्यू 505 करोड़,
ओके तो कंपनी देखिए पहले लॉस में कर रही थी, लगभग 3,000 करोड़ का लॉस कर दिया था। धानुका कंपनी ने इसे खरीदा, 1,000 करोड़ का लॉस इसे का चुकाया, बट स्टिल कंपनी इज मेकिंग लॉस। पहले बता देता हूँ, कंपनी अभी भी लॉस में कर रही है। जो इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ये NCLT के थ्रू किसी भी कंपनी को दोबारा से जीवित किया जाता है एक तरीके से। और अगर कोई कंपनी कोई खरीद लेता है, और जैसे कि रुचि सोया के केस में हुआ था, जब पतंजलि ने खरीद लिया था, आरोक इंडस्ट्री के केस में हुआ था, जब रिलायंस ने इसे खरीद लिया था, तो सेम हैपन विद दिस कंपनी ऑर्किड फार्मा। ओके तो ये कंपनी तब से अपर सर्किट में चल रही है और अच्छे खासे रिटर्न इसने दिए है। तो देखिए मैं आपको आगे भी कुछ चीज़ दिखाऊंगा, बट इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो पहले तो बता दिया है मैंने API, ओके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में ये कंपनी काम करती है, एज वेल एज केमिकल्स और फार्मा में ये कंपनी काम करती है। अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, 4,500 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो इसके पीछे लेने के चक्कर में अगर आप रिटे हो तो बिल्कुल भी अभी मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, उसी तरीके से कंपनी गिरती हुई आपको नजर आएगी। अगर बात की जाए तो देखिए कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है, ओके इसने बहुत सारे इसके पॉजिटिव दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, बट अभी जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, मतलब 4 महीने में 6,400% के रिटर्न, और 6 महीने में कितने 23,000% के रिटर्न, तो मायने रखता है हर चीज़। अगर सेल्स की बात की जाए तो देखिए सेल्स कहाँ पर बढ़ते हुए थे, उसके अलावा बाद में गिरते 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 आज की डेट में देखिए कंपनी घाटे में ही चल रही है। अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट जहाँ पर तो कंपनी का है ही नहीं, कंपनी आज भी देखिए माइनस में ही प्रॉफिट दे रही है, मतलब कंपनी घाटे में जा रही है। सेल्स की बात की जाए, सेल्स भी देखिए घटता जा रहा है, हर साल घटता जा रहा है। ओके अभी भी देख सकते हैं पिछले 12 महीने में 440 करोड़ का ही सेल्स हुआ है। एज वेल एज बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो वो भी आपको गिरता हुआ नजर नज़र आ रहा है यहाँ पर साफ साफ। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके बिजनेस की, तो बिजनेस का सब जगह ओके बहुत सारे जगह पर इसके बिजनेस है। 1 ईयर देख सकते हैं 20,142% का CAGR। अगर बात की जाए यहाँ पर रिजर्व्स की, कंपनी के पास 970 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। कंपनी ने देखिए बोरिंग कम करी है, अभी भी देखिए बोरिंग कम करने में लगी हुई है। सितंबर में 437 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 39 करोड़ के कैश फ्लो। ओके एसेट घटते जा रहे हैं, जहाँ लोगों के एसेट बढ़ते हैं इसके घटते जा रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो अगर बात की जाए कैश फ्लो 80 करोड़ रुपये का। और सबसे अच्छी बात प्रमोटर्स, आई थिंक प्रमोटर्स ने 2018 या 17 में ही कंपनी को यहाँ पर धानुका ने इसे अपने अंडर लिया है। तो प्रमोटर्स जो इसके है वो है धानुका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनके पास कितने 98.04% की हिस्सेदारी इनके पास है, बाकी ये 1-2% है इनके पास, थोड़ी थोड़ी सी 0.01-0.03% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है इसमें, बट फॉरेन इन्वेस्टर घटते हुए नजर आए 0.04%। DIS देख सकते हैं 1.23%, पब्लिक देख सकते हैं 0.66%। ओके पब्लिक के पास पैसा सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी सितंबर में, बट यहाँ पर पब्लिक निकल गई है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास 0.66% की हिस्सेदारी अभी नज़र आ रही है, बाकी प्रमोटर्स के पास है। और यहाँ पर OFS कभी भी 1 साल के अंदर अंदर शायद आ सकता है। ओके और अभी अगर बात की जाए तो केवल कितने 1200 या 2000 शेयर ही यहाँ पर डे के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादा शेयर है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा शेयर किसके पास है अभी तक, धानुका के पास है। और जब ये रेशो होगा 75:25 का, जब कंपनी जब प्रमोटर्स करेंगे, तब शायद ये कंपनी आपको जो ये पैटर्न है, जो अभी ये पैटर्न चल रहा है ना, ये सर्किट वाला, ये आपको घटता हुआ नज़र आए, ये टूटता हुआ नज़र आए। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपसे मना क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कुछ महीनों पहले देखिए यहीं पर ही हुआ था 2020 में ही, आप देख सकते हैं 21 रुपये का रुचि सोया का शेयर हुआ करता था। ओके 1 फरवरी 2020 को, और बात किया 26 जून 2020 को 1519 रुपये तक गया था, कितने तक 21 रुपये का शेयर, 1519 रुपये का शेयर गया था। और उसके बाद अभी अगर प्राइस देखे तो 731 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 18 रुपये पे ये शेयर आज की डेट 2 नवंबर 2020 में ट्रेड कर रहा था, 2021 मार्च चल रहा है, तो अभी देखिए 1186। तो कभी भी ये शेयर जो इसमें एक्टिव है, ये शेयर को फिर दोबारा
डंप कर सकते हैं और इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है खरीदने की वो उसके बाद पछताता हुआ नज़र आएगा, और शेयर पता चले कि आने वाले टाइम में 100 रुपये तक आ जाए और फिर आपको अच्छा खासा लॉस होता है वो दिखाए, क्योंकि कंपनी इज़ नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रही है। आपने देखा ही है, मैंने आपको दिखाया ही है। तो इस वजह से कहना चाहता हूँ इसे बेफालतू में लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। बस आपको बताने का एक मकसद था कि ये कंपनी थी ओके जिसने 23,000% के रिटर्न 6 महीने के अंदर अंदर दे दिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, इसे वॉच करिए ओके, बट इसे सबक लीजिएगा और इसे सीखने की कोशिश करिएगा। इसमें एग्रेसिवली बाइंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने की इस तरीके से जो ऑपरेटर होते हैं ऐसी चीज़ों में एक्टिव होते हैं ओके, और शेयर को बढ़ाते जाते हैं, फिर उसका डम्प करते हैं, फिर ये अपर सर्किट में अभी चल रहा है, फिर लोअर सर्किट में चलेगा, और जो अपर लेवल पर खरीदेंगे वो फंस जाएंगे, और जो डेली कोशिश कर रहे हैं इसमें लगाने की कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए, वो लास्ट में पछताता हुआ मिलेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बिवेयर हो जाओ और इसमें बिल्कुल भी खरीदारी मत करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।